तो वहीं दिल्ली वाली को जहां पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा था, वहीं अब एक और बड़ा झटका दिल्ली में रहने वालों को लगने वाला है। दरअसल दिल्ली में बिजली का दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसका भुगतान अब लोगों को मई के बिल से देना होगा। यह बढ़ोतरी 1 मई से 3 महीने के लिए लागू रहेगी। इसके बाद बिजली की दर तय करने वाला DRC बिजली कंपनियों की याचिका के हिसाब से आदेश देगा। बता दें कि BYPL के इलाकों में 6.15% की बढ़ोतरी और BRPL के इलाकों में 8.75% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। वहीं BYPL के इलाके के पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली के हिस्से आते हैं और BRPL के इलाके में दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र आते हैं। बिजली के दरों में यह बढ़ोतरी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानी PPAC के तहत की गई है।